नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम बिहार में आने वाली 5 वैकेंसियों के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इलेक्शन के बाद बहुत जल्द ही ये 5 वैकेंसी देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन बिल्कुल हम इतना आपको कहना चाह रहे हैं कि अभी नए नए हम YouTube पर चैनल बनाए हैं और वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगी। लेकिन जिन लोगों को पसंद नहीं आएगी, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जितनी भी अपलोड होती रहेंगी उनको जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से हमारा जो है 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा होना बिल्कुल असंभव होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर पहली वैकेंसी की बात करें तो BPSC 4.0 के बारे में सब लोग जानते हैं, उसमें कुछ बताना नहीं है कि वो वैकेंसी आपका नोटिफिकेशन जो है जुलाई में दिख सकता है, जबकि अगस्त में उसका फॉर्म भरा जाएगा और अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के पहले सप्ताह तक उसका एग्जाम। हालांकि डेट जो है अगस्त ही है, लेकिन हमारे हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, तो उसका अगस्त में ही एग्जाम हो जाएगा एक तरीके से। उसके बाद है आपका दूसरी वैकेंसी जो है BPSC दरोगा की है, जिसमें 2000 से अधिक पोस्ट देखने को मिलेगा और जैसे ही इलेक्शन समाप्त होगा इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। इसके बाद है BSSC CGL 4, जिसमें 3000 से अधिक ज़्यादा पोस्ट आपकी आएगी होगी। इसमें एज तो आप लोग जानते ही हैं कि 20 से 37 साल है, यानी जनरल के लिए बता दे रहे हैं हम आप लोगों को, और ग्रेजुएशन इसमें रहेगा और जून और जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए बिल्कुल मिल सकता है। इसके बाद है 70 BPSC जो है, जिसमें 700 से अधिक पोस्ट आएंगे और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जून में होगा, जबकि आएगा जबकि सितंबर में इसका प्री एग्जाम होगा, जबकि मेंस आप लोगों को पता है कि जनवरी के आसपास देखने को इसका मेंस मिल सकता है। अगर बिहार परिचारी की बात करें तो कम से कम ये 40,000 वैकेंसी आएगी, जो कि मैट्रिक लेवल यानी हाई स्कूल पास पर ये वैकेंसी होगी, और जो है अगस्त सितंबर में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और योग्यता जो है आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से बिहार की महत्वपूर्ण 5 वैकेंसी है, बिल्कुल तैयारी से पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे जो नियम कानून है वो यूपी से बिल्कुल अलग है। यहाँ तो 5 साल से इंतज़ार किया जा रहा है टीचर के लिए, और बिहार में न जाने कितने दो तीन बार तीन चार बार यानी हर साल मान लीजिए वैकेंसी हो ही रही है। तो बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि बिहार में वैकेंसियों की बिल्कुल बहार है, चाहे कोई भी सरकार हो वो अपने कैलेंडर के अनुसार काम करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।